लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसको लेकर रामविलास पासवान के पुत्र और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भावुक हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए अपनी भावना का इजहार ट्विटर पर किया है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी के हर सदस्य के लिए अत्यंत गर्व की बात है और परिवार के लिए एक भावुक लम्हा। चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में लिखा कि पापा ने पूरा जीवन सामाजिक न्याय और वंचित दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए समर्पित किया। भारत सरकार द्वारा पापा को 51 साल के बेदाग राजनैतिक जीवन के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पापा की अंतिम सांस तक उनके साथ खड़े थे। पापा के जाने के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने पापा को हमेशा सम्मान दिया। पद्म भूषण पुरस्कार के लिए मेरे परिवार और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के साथ साथ असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को भी मरणोपरांत पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया है। रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण दिए जाने पर श्याम रजक और जगदानंद सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। अच्छा, इससे भी अधिक उनकी योग्यता है, जो भी राष्ट्रीय सम्मान मिला है हम लोग उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। रामविलास जी कमजोर और गरीबों के नेता थे, जीवन भर उसी के लिए संघर्ष उन्होंने किया। कैसे कमजोर और गरीब आगे बढ़े, सभी कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य लालू जी और रामविलास जी और सभी लोगों ने मिलकर के बिहार के कमजोर वर्ग को, गरीबों को, झोपड़ियों में रहने वाले को, गांव में रहने वालों को, खेत खलिहान में काम करने वालों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। उस संघर्ष को सभी लोग मिलकर के और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, दलित का ही सवाल नहीं, पूरे देश का सवाल है कि वो तमाम जो दबे कुचले लोगों की राजनीति करते थे, इसलिए रामविलास पासवान जी को मरणोपरांत उनको पद्म विभूषण मिला है। हम सब उसके लिए शुभकामना देते हैं और उसके लिए आज तमाम जो दबे कुचले उत्पीड़ित समाज के लोग हैं उनको उत्साह मिला है। लेकिन इसके साथ साथ हम इस बात के लिए भी कहना चाहेंगे सरकार को कि बहुत दिनों से लंबित है जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की। आज तक के लोग सिर्फ नाम लेती है लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न नहीं मिला है। रामविलास जी को बहुत समय पर ही पद्म विभूषण मिल गया, हम इसके लिए खुशी व्यक्त करते हैं, हम सब लोगों में अपार खुशी है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी, जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं मिला है, इसके लिए भी मुझे दुखी है। नीतीश कुमार ने इसको लेकर ट्वीट किया है कर्पूरी जी को लेकर कि हमने कई बार अनुशंसा की है, तो ये उनकी सरकार में नहीं चलती। इसका मतलब आज के दिन हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन इसका मतलब यही है कि सरकार में वो सिर्फ स्टेपनी बन करके हैं।